बैजनाथ के पंडोल रोड धारबग्गी व राष्ट्रीय उच्च मार्ग घट्टा के समीप जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। आग कैसे लगी या फिर किसने लगाई, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार ने क्षेत्र की समस्त जनता से अपील की कि सभी जंगलों में लगी आग बुझाने में वन विभाग की मदद करें और ऐसे शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। बैजनाथ में अज्ञात लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाने का सिलसिला जारी है, जो जंगली जानवरों के साथ साथ मनुष्य के जीवन पर भी भारी पड़ रहा है। बैजनाथ के पंडोल रोड धारबग्गी व राष्ट्रीय उच्च मार्ग घट्टा के समीप जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार अपनी टीम और अग्निशमन केंद्र बैजनाथ की टीम के साथ 2 घंटे तक आग पर काबू पाने में जुटे रहे। वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे इस प्रकार से जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग की मदद करें और ऐसे शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। मैं विनोद कुमार, डिप्टी रेंजर बैजनाथ रेंज। यहाँ पे जो आग लगी हुई है पंडीदार में, तो इसको बुझाने के लिए वन विभाग का नारा स्टाफ आया हुआ है, वो साथ में फायर ब्रिगेड वाले भी बुलाए हुए हैं और आग को काबू कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आग जो है वो काबू कर ली गई है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।